हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल माई सेल्फ इज कर्णी बोथरा फ्रॉम एक्सल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिविज़न करा रहा हूँ जस्ट हाफ एन आवर में ये रिविज़न ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा द टॉपिक इज द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ये टॉपिक हर स्ट्रीम के लिए रेलीवेंट है सी ए फाइनल सी एस एग्जीक्यूटिव सी एस प्रोफेशनल सी एम ए तो हर जगह ये टॉपिक का रेलिवेंसी इंपॉर्टेंट है एस आर ए एक्ट नाइनटीन रीड विथ सिक्योरिटी कॉन्ट्रेक्ट रेगुलेशन रूल नाइनटीन तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं आ, सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कॉर्पोरेटाइजेशन और डी म्यूचुलाइजेशन टू डबल एंड टू ए बी कारपोराइजेशन का मतलब है बेसिकली सक्सेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बीइंग बीवाई और सोसाइटी इनटू ए अनदर स्टॉक एक्सचेंज बीइंग ए कंपनी इन अंडर द कंपनी जैक फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बाइंग सेलिंग डीलिंग इन दिक्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज तो पहले क्या होता था स्टॉक एक्सचेंज ओ और बी फॉर्म में बिजनेस करती थी अब उन्हें कंपल्सरी कर दिया गया कि उन्हें कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस करना होगा और उनके लिए उन्हों, उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा कंपनी फॉर्म में अगर वो ऑलरेडी सोसाइटी या एओपी फॉर्म में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और डी म्यूचुलाइजेशन का मतलब है टू ए बी में डिफाइन किया गया टू सब क्लॉज ए बी में डी म्यूचुलाइजेशन मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ ऑनरशिप एंड ट्रेडिंग आ, मेंबर एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम सबमिटेड टू सेबी अंडर सेक्शन फोर बी उसके बाद एक स्कीम सबमिट की जाती है जब भी कॉरपोराइजेशन डी म्यूचुलाइजेशन होता है और उस स्कीम में इशू ऑफ शेयर फॉर लॉफुल कंसिडरेशन क्योंकि पहले ऑनर कौन थे सोसाइटी के मेंबर अब कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो कंपनी उन्हें शेयर इशू करेगी ट्रांसफर ऑफ एसेट लाइबिलिटी रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसमें दो टाइप के मेंबर होते हैं शेयर होल्डर एक मेंबर विथ ब्रोकर राइट और एक मेंबर विथ वोटिंग राइट शेयर होल्डिंग राइट वोटिंग राइट दो टाइप के मेंबर होते हैं एक जिनको ब्रो, ब्रोकर ट्रेडिंग राइट होता है और एक दूसरा डिसीजन मेकिंग राइट वोटिंग राइट दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं लाइक शेयर खान हो गया इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड हो गया मोतीलाल ओसवाल हो गया ये सभी जो है स्टॉक ब्रोकर है और इनके पास ब्रोकिंग राइट है इनके पास वोटिंग राइट नहीं है ये शेयर होल्डर है स्टॉक एक्सचेंज के बी एस सी के लेकिन इनके पास वोटिंग देने का राइट नहीं है इनके पास केवल ट्रेडिंग का राइट है एंड ट्रांसफर ऑफ इम्प्लॉय एंड अदर इंसिडेंटल और एंसिलरी मैटर तो ये सब स्कीम में लिखा जाएगा और ये स्कीम सबमिट की जाएगी सेबी को फॉर अप्रूवल ऑफ द स्कीम ऑफ कारपराइजेशन एंड म्यूचुलाइजेशन नेक्स्ट सिक्योरिटी की डेफिनेशन सिक्योरिटी में इंक्लूड होगा सेयर स्क्रिप्टि डिवेंचर स्टॉक अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी यूनिट्स इशूड बाय द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यूनिट इशूड बाय द म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेरिविटीज एनी सिक्योरिटी रिसिप्ट डिफाइंड अंडर सरफेसी एक्ट टू थाउजेंड टू और एनी सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी विच पजेज टू द सच एंटिटी मॉर्गेज डेट्स रिसीवेबल एक्नोलेजिंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर उस मॉर्गेज डेट्स में उस रिसीवेबल में वो एक्नोलेज कर रही है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका रहेगा टू द इन्वेस्टर जो सिक्योरिटी रिसिप्ट के इन्वेस्टर रहेंगे नॉर्मली क्यू आई इज द इन्वेस्टर ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट उसके बाद स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और कमोडिटी डेरिवेटिव उससे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहले कवर कर रहा हूं रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मींस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्चुअल डिलीवरी और एक्चुअल पेमेंट या तो इमीडिएटली होगा या फिर विद इन इलेवन डेज के अंदर पार्टी म्यूचुअल कंसेंट करके इस पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते और कमोडिटी डेरिवेटिव को कभी भी रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा और अगर डिफरेंस में सेटलमेंट हो रहा है तो उसे रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें भी इमीडिएटली डिलीवरी और इमीडिएटली पेमेंट या नेक्स्ट डे में होता है लेकिन अगर पोस्ट पोस्ट के थ्रू डिलीवरी या पेमेंट हो रहा है अगर पार्टी डिफरेंट लोकेलिटी या डिफरेंट सिटी में रहते हैं तो जितना टाइम लगा उसको एक्सक्लूड करेंगे और अगर डीमेट फॉर्म में शेयर हैं तो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपोजिटरीज फ्रॉम वन बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट टू द अनदर बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट द स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रेक्ट उसका डेरिवेटिव इंक्लूड एनी सिक्योरिटी विच वैल्यू फ्रॉम द डेट्स इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इन सभी से उसकी वैल्यू डिराइव होती है या ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट और अंडरलाइंग इंडेक्स ऑफ सिक्योरिटी से डिराइव होती है और थर्ड इज द कमोडिटी डेरिविटी एंड फोर्थ इज दच अदर इंस्ट्रूमेंट एज में डेरिविटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अब कमोडिटी डेरिविटी की मीनिंग जिसमें दो ऑप्शन रहेंगे या तो एक्चुअल डिलीवरी और एक्चुअल पेमेंट होगा या फिर डिफरेंस में सेटलमेंट होगा जिसकी वैल्यू डिराइव होगी अंडरलाइन गुड्स सिक्योर गुड्स हो गई सर्विस हो गई एक्टिविटी हो गई इवेंट हो गई बट डज नॉट इंक्लूड याद रखियेगा रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रेक्ट लिख लीजिएगा जरूर रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे कमोडिटी डेरिवेटिव अब उसके बाद स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्चुअल डिलीवरी एक्चुअल पेमेंट होगा अगर 11 दिन के अंदर होता है तो उसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे रेडी डिलीवरी अगर कोई टाइम नहीं है फिक्स नहीं है कि 11 दिन के अंदर ही हो फ्यूचर में होगा प्राइस फिक्स हो गई है या मैनर फिक्स हो गया है तो उसे स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं ज द और स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट इज द कमोडिटी डेरिवेटिव क्योंकि उसमें एक्चुअल डिलीवरी हो रही है और कमोडिटी डेरिवेटिव में दोनों ऑप्शन है इसलिए स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट इज द पार्ट ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव और उसमें एक्चुअल डिलीवरी होगी एक्चुअल पेमेंट होगा जिसमें नेम ऑफ बायर सेलर पहले से डिफाइन है प्राइस फिक्स हो गई है या मैनर बता दिया गया है फिक्स ऑफ प्राइस डेट्स ए कॉल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और ये दो टाइप के होते हैं ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल मतलब जिसमें जो टाइटल ऑफ ऑनरशिप का है ऑनरशिप के जो टाइटल पेपर होते हैं लाइक वेयर हाउस रिसिप्ट हो गई ट्रांसपोर्ट uh, रिसिप्ट uh, हो गई वो ट्रांसफर हो सकते हैं और नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब वो जिसमें जो राइट right और लाइबिलिटी है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते लेट्स से कॉल नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन इन सिक्योरिटी का मतलब uh, ऑप्शन इन सिक्योरिटी का मतलब परचेज और सेल राइट टू बाय राइट टू सेल राइट टू बाय एंड सेल बोथ इंक्लूडिंग तेजी मंदी गली कॉल ऑप्शन पुट पुट ऑप्शन कॉल इन फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट दैट्स ए कॉल ऑप्शन इन सिक्योरिटीज उसके बाद सेक्शन 28 बोलता है कि नॉर्मली कोई भी कंपनी अगर पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करना चाहती है कोई भी पर्सन तो उसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही वो सिक्योरिटी ऑफर करनी है डायरेक्टली पब्लिक को आप नहीं कर सकते लेकिन सेक्शन ट्वेंटी एट में एक्सेप्शन दिया गया है नॉन ऑफ दिस एक्ट मतलब सर्टेन केस में डायरेक्टली सिक्योरिटी पब्लिक को इशू की जा सकती है लाइक like सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई हो गई लोकल अथॉरिटी हो गई एनी कॉरपोरेशन अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट लाइक एल आई सी हो गई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन हो गया इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया और कन्वर्टेबल बॉन्ड और शेयर वारंट जिसकी कन्वर्जन प्राइस अभी से फिक्स हो गई है और जिसमें ऑन जो, जो जो होल्डर है उनको ऑप्शन वो चाहे तो कन्वर्ट करवा सकते उस पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन को नोटिफाई कर सकती है थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट कि उन पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा नेक्स्ट सेक्शन थ्री में बोला गया कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज Uh, को अगर रिकोजनेशन लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लीकेशन देना है सेंट्रल पावर सेवी को दे दिया है और अप्लीकेशन फॉर्म ए में दिया जाएगा टुगेदर विद फीस टूगेदर विद्रेड रुपीज और उसके साथ चार कॉपी बाई लॉ की और चार कॉपी रूल की अटैच की जाएगी और रूल में चार मैटर इंक्लूड हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्निंग बॉडी मैनेजमेंट के पावर ऑफिस बीर के ड्यूटीज एंड फंक्शन क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ग्राउंड फॉर किस ग्राउंड पर मेंबर को ब्रोकर को एक्सपल्सन सस्पेंशन रीएडमिशन किया जा सकता है एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम एज ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इफ रूल प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ रिकोजिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लीकेशन मिलने के बाद एग्जामिन करेगी इंक्वायरी करेगी फर्दर इंफॉर्मेशन लेगी और अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि सच रिकोजिनेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में है और जो बाय और रूल बने हैं आर इन कंफर्मिटी विद द कंडीशन प्रेस्क्राइब बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टॉक एक्सचेंज इज विलई दंडीशन तो इस केस मेंवर्मेंट दट से स्टॉक एक्सचेंज की प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड है उन दोनों गजट में पब्लिश कर देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या मैटर के बारे में कंडीशन प्रिस्क्राइब की है रूल्स में लाइक क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में लाइक मैनर इन विच ट्रांजेक्शन सेल बी इन्फोर्स बिटवीन द टू मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लाइक मेंटेनेंस मैनर इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द मेंबर एंड ऑडिट बाय द चार्टर अकाउंटेंट लाइक कंडीशन बताइए विथ रिस्पेक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप लाइक मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव गवर्निंग बॉडी में स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट रहेगी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो सकते हैं मैगजिम थ्री इन सभी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडीशन प्रेसाइड की है ये कंडीशन जो है वो और जो बाय में कंडीशन दी गई होगी स्टॉक एक्सचेंज की जो लॉ स्टॉक एक्सचेंज ने बनाए हैं रूल बनाए हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और जो सेक्शन थ्री जो चार रूल के मैटर थे अगर इसको अमेंड करना है तो सीजी से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी ये लॉ दिया गया सेक्शन थ्री सब फोर सेक्शन फोर में उसके बाद जनरली रिकोजनेशन परमानेंट बेसिस पर दिया जाएगा अदरवाइज नॉट लेस देन वन ईयर अगर टेम्प्रेरी दिया जा रहा है तो कम से कम एक साल के लिए दिया जाएगा और रिन्यूअल के लिए अपन अप्लीकेशन देंगे फॉर्म ए में ही अप्लीकेशन देना है दो सौ रुपए की फीस के साथ और तीन महीने पहले अप्लीकेशन देना है बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ रिकोजिनेशन जिस दिन रिकोजिनेशन एक्सपायरी हो रहा है उसके तीन महीने पहले उसके बाद क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप दी गई है ब्रोकर अगर आपको बनना है तो आपकी एज ट्वेंटी वन ईयर हो जानी चाहिए आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो आप ब्रोकर नहीं बन सकते लेकिन गवर्निंग बॉडी अलाउ कर सकती है रिलैक्सेशन दे सकती विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए बैंक्रप्ट नहीं होने चाहिए तो आपने क्रेडिटर के साथ कोई कंपाउंडिंग नहीं किया है अनलेस ही हैज पेड फोर आना इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पैसे तो सिक्सटीन आना इज इक्वल टू वन रुपीज यानी कि हंड्रेड परसेंट एक रुपए में एक रुपए आपने पे कर दिया है तभी आप मेंबर बन सकते नहीं तो नहीं अगर आप किसी बिजनेस का प्रिंसिपल या हैं ऑनर या इम्प्लॉई हैं एक से बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी और कमोडिटी डेरिवेटिव तो बन सकते हैं या फिर आप एजेंट है किसी बिजनेस का नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो बन सकते हैं या फिर आप किसी भी बिजनेस के ऑनर या इम्प्लॉयी हैं और आपने अंडरटेकिंग दे दी है एडमिशन लेने से पहले कि मैं इस बिजनेस से अलग हो जाऊंगा तो फिर आप मेंबर बन सकते हैं नेक्स्ट इज द अगर आपको प्रीवियसली किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज ने रिमूव कर दिया है एक्सपर्ट कर दिया है या डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है तो आप मेंबर नहीं बन सकते हैं और अगर आपको उसी स्टॉक एक्सचेंज ने अगर रिफ्यूज कर दिया था एडमिशन देने से पहले तो एक साल अगर नहीं हुए तो आप अभी मेंबर नहीं बन सकते उस स्टॉक एक्सचेंज का तो अगर मैं बीएससी का मेंबर बनने गया था और बीएससी ने मुझे रिफ्यूज कर दिया है तो एक साल तक मैं बीएससी का मेंबर नहीं बन सकता और अगर मुझे कोर्ट ने कॉन्विक किया है फॉर फ्रॉड और डिसऑनेस्टी के लिए तो मैं मेंबर नहीं बन सकता नेक्स्ट सेक्शन फाइव विड्रॉल ऑफ रिकोजिनेशन अगर सेंटर गवर्नमेंट की ओपिनियन में लगता है इट इज नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो वो गवर्निंग बॉडी को नोटिस देगी रीजन स्पेसिफाई करेगी और अपॉर्चुनिटी देने के बाद उसके रिकोजिनेशन को विड्रॉ कर देगी और पब्लिश कर देगी ऑफिशियल गजट में जितने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वैलिड रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ड्यू परफॉर्मेंस के बारे में कंसल्ट करने के बाद गवर्निंग बॉडी से कंसल्ट करने के बाद नेसेसरी प्रोविजन बनाएगी दैट दैट सेक्शन 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 सब 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 एंड प्रोवाइड अगर स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पटाइज नहीं होती जो जरूरी है या फिर कॉर्पटाइजेशन हो जाता है लेकिन ना वो स्कीम सबमिट नहीं करती सेबी को फॉर इट्स अप्रूवल या उसकी सेबी ने स्कीम रिजेक्ट कर दी है तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रिकॉजनेशन को विद्रॉ कर देगी थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट और जितने कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग थे जो अभी सेटल नहीं हुए हैं उनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेन बनाएगी इन कंसल्ट विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर सेक्शन सिक्स एंड सेवन फाइव के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये पहला हर स्टॉक एक्सचेंज को पीरियोडिकल रिटर्न सबमिट करना है सेबी के पास उसमें इंक्लूड होगा ये रूल में दिए गए मैटर रिटर्न में लाइक सिक्योरिटी लिस्टेड डीलिस्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस थ्री मंथ ऑफिशियल रेट ऑफ सिक्योरिटी मतलब किस रेट में लिस्टिंग हुई है जितने भी शेयर लिस्टेड हुए उसकी डिटेल नंबर ऑफ सिक्योरिटी डिलीवर थ्रू द क्लियरिंग हाउस नंबर ऑफ सिक्योरिटी ब्रॉड और रिमूव फ्रॉम द फॉरवर्ड ट्रेडिंग जितनी सिक्योरिटी फॉरवर्ड लिस्ट में इंक्लूड हुई है और एक्सक्लूड हुई है उसकी डिटेल और एक मेकिंग अप प्राइस मतलब सेटलमेंट प्राइस क्या हुई थी क्लिनिंग हाउस प्रोग्राम अदर मैटर स्पेसीफाई बाई से बी ये पीरियोडिकल रिटर्न हर स्टॉक एक्सचेंज को से बी को सबमिट करना है एनुअल रिटर्न सेक्शन सेवर में दिया गया है कि हर स्टॉक एक्सचेंज को एनुअल रिटर्न सबमिट करना है से बी के पास बिफोर थर्टी फर्स्ट जनवरी ऑफ एवरी ईयर और सच एक्सटेंडेड पीरियड अलाउड बाय द सेबी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस कैलेंडर ईयर के बारे में जिसे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी चेंज इन बाय लॉ चेंज इन गवर्निंग बॉडी अगर हुआ है एडमिशन रेजिनेशन डेथ ऑफ में हुआ है सिक्योरिटी कितनी लिस्टेड और डीलिस्टेड हुई है पिछले साल में नंबर ऑफ सिक्योरिटी नंबर ऑफ सिक्योरिटी ब्रॉट और ब्रॉट इनटू और रिमूव फ्रॉम फॉरवर्ड लिस्ट है ना डीसी पिंद्री एक्सन टेकन इसमें एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं आप डीसी पिंद्री एक्सन टेकन अगेंस्ट द मेंबर एक्शन टेकन अगेंस्ट द मेंबर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अगर कोई डिस्प्यूट सेटल हुआ है बिटवीन मेंबर एंड नॉन मेंबर ये सभी एनुअल रिटर्न में इंफॉर्मेशन जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी अगर कोई सब कमेटी बनी है स्टॉक एक्सचेंज की तो उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है हर स्टॉक एक्सचेंज को एंड एट की जगह ए एंड होगा सेल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट जो सेंटर और प्रिस्क्राइब करेगी इन कंसल्ट विद द स्टॉक एक्सचेंज और से भी उस बुक्स को कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती है एट ऑल रीजनेबल टाइम स्टॉक एक्सचेंज को बुक्स मेंटेन करना है पांच सालों के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग जितनी भी मीटिंग होगी मेंबर लोगों की गवर्निंग बॉडी की कमेटी की रजिस्टर ऑफ मेंबर सिक्योरिटी रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट को की हर ब्रोकर को डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है अपने स्टॉक uh, एक्सचेंज के पास मार्जिन डिपॉजिट बुक मार्जिन जमा करनी पड़ती है जर्नल लेजर कैश बुक मेंबर को बुक्स मेंटेन करने हैं कुछ बुक्स पांच साल के लिए कुछ बुक्स दो साल के लिए डेली ट्रांजेक्शन बुक जिसमें दि दि आज दिन भर में जितने भी ट्रेड हुए हैं सेल परचेज उसकी डिटेल रिकॉर्ड की जाती है क्लाइंट लेजर जर्नल लेजर कैश बुक पासबुक इनवर्ड आउटवर्ड कितनी सिक्योरिटी रिसीव हुई कितनी सिक्योरिटी डिलीवर हुई नंबर ऑफ शेयर

जो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमने इशू किया होगा या कंफर्मेशन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट दूसरे मेंबर ने जो डुप्लीकेट कॉपी दी होगी उसकी कॉपी अपने को मेंटेन करनी है सेक्शन सिक्स में लॉ दिया गया कि सेबी को पावर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज से या मेंबर से इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है अगर जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में और इंक्वायरी अगेंस्ट द अफेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट में और मेंबर के अगेंस्ट में सेबी इंक्वायरी कर सकती है इसके लिए से भी अपने ऑफिसर अपॉइंट करेगी अगर गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट में इंक्वायरी करनी है और जो ऑफिसर रहेगा वो अपनी रिपोर्ट से बी को सबमिट करेगा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम प्रिस्क्राइब मैनर में और मेंबर के अगेंस्ट में इंक्वायरी करनी है तो से भी या तो अपने ऑफिसर वन और मोर अपॉइंट कर सकती है इंस्पेक्टिंग इंक्वायरिंग स्टाफ के रूप में या फिर गवर्निंग बॉडी को डायरेक्शन दे सकती है इसको कि आप इंक्वायरी करिए मेंबर के अगेंस्ट में और हमें रिपोर्ट सबमिट करिए एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर डायरेक्टर मेंबर ऑफ़ स्टॉक एक्सचेंज टू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड विच आर रिक्वायर्ड बाय द पर्सन मेकिंग द इंक्वा एक्शन टेकन एज ए रिजल्ट ऑफ एंक्वायरी कंप्लीट हो गई अब मेंबर के अगेंस्ट में एक्शन लिए जाएंगे अगर मेंबर ने कोई गलत कॉन्ट्रावेंसन किया होगा इीगल एक्टिविटी की होगी फ्रॉडुलेंट एक्ट किए होंगे तो उसके अगेंस्ट में एक्शन सेबी डायरेक्शन देगी गवर्निंग बॉडी को टू टेकिन्री एक्शन में एक्सपर्ट कर देना मेंबर को सस्पेंड कर देना एंड गवर्निंग बॉडी अपने डिसीजन को रिवर्स नहीं करेगी अनलेस अप्रूव बाय द सेबी और सेबी तभी अप्रूव देगी जब या तो सोओ मोटो बोल सकती गवर्निंग बॉडी को कि आपने जो एक्शन दिया उसको रिवर्स करो या ऑन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मेंबर अगर मेंबर खुद सेबी को चलाकर बोलता है कि भैया मेरे अगेंस्ट में जो डिसिप्लिनरी एक्शन दिया गया उसको रिलीफ दी जाए तो फिर सेबी चाहे तो गवर्निंग बॉडी को बोल सकती है कि आपने जो एक्शन दिया उसको रिवर्स कर लो उसका सेक्शन सेवन ए में दिया गया कि स्टॉक एक्सचेंज रूल बना सकती है चार मैटर के बारे में फर्स्ट इज द वन द नो प्रोक्सीज अलाउड एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन टू वोटिंग राइट टू मेंबर ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस बिफोर एनी मीटिंग चाहे कोई भी मैटर हो चाहे कोई भी मीटिंग हो केवल मेंबर को वोट देने का राइट रहेगा एन अदर इंसिडेंटल और एंसिलरी मैटर ये रूल तभी बना सकती है amend कर सकती है जब सीजी अप्रूव करेगी और सीजी अप्रूव करते समय इसे मॉडिफाई भी कर सकती है और उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी सेक्शन एट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज से कंसल्ट करेगी अगर उसे लगता है इट इज नेसेसरी टू डू सो टू मेक और अमेंड द रूल ऑफ द मैटर स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में जो ये चार मैटर थे ये चार मैटर गवर्निंग बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप एडमिशन सस्पेशन के ग्राउंड अगर इन सभी में अमेंड करना है या बढ़ाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि आप ये रूल बनाइए अमेंड करिए और दो महीने के अंदर आपको ये रूल बनाने हैं अगर आपने नहीं बनाया स्टॉक एक्सचेंज ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपके बिहार में रूल बना देगी या तो प्रपोज फॉर्म में जिस फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि इस मैनर में रूल बनाना है उस फॉर्म में या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकती है लेकिन मॉडिफिकेशन करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंसेंट लेनी पड़ेगी एग्रीमेंट होना चाहिए सेक्शन नाइन सेक्शन नाइन में स्टॉक एक्सचेंज बाई लॉ बना सकती है बाईलॉ बनाना है तो सेबी से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी और जब भी बाई लॉ बनाएंगे दो बार पब्लिश होंगे एक तो प्री पब्लिकेशन मतलब सेबी अप्रूवल होने से पहले और उसके बाद एक बार सेबी अप्रूव कर देती है तो उसे पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गजट इन इंडिया प्लस ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट लेकिन अगर लॉ तुरंत बनाने जरूरी है और सेबी को लगता है इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सेबी प्रीवियस पब्लिकेशन से डिस्पेंस वेव कर सकती कि प्रीवियस पब्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है बाई में क्या क्या मैटर होंगे लाइक मार्केट कब ओपन होगा क्लोज होगा ब्रोकरेज का क्या रेट रहेगा सेटलमेंट कैसे होगा पीरियड ऑफ सेटलमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी सिक्योरिटी में कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योरिटी uh, में कॉन्ट्रैक्ट करने की टर्म्स एंड कंडीशन अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में सेल परचेज में तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा ये सभी चीजें बाई लॉ में लिखी रहेगी और बाय लॉ में ये भी लिखा रहेगा कि अगर कोई भी मेंबर बाय लॉ का कॉन्ट्रावेंसन करता है ब्रोकर तो उसके अगेंस्ट फाइन लग सकता है सस्पेंशन हो सकती है मेंबरशिप से एक्सपल्सन हो सकती है ये सभी चीजें बाईलॉ में लिखी रहेगी सेक्शन टेन में सेबी को पावर दिया गया है कि सेबी या तो सुओ मोटो या ऑन द रिक, रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडी रिटर्न रिक्वेस्ट करती है खुद चलाकर सेबी को कि हमारे बाय लॉ को अमेंड कर दीजिए या ये बाई लॉ बना दीजिए तो सेबी खुद बाय लॉ बना देगी स्टॉक एक्सचेंज के बिहार अगर वो बाई से भी ने मोटो बना और वो ने बना दिए और एक्सेप्टेबल नहीं है गवर्निंग बॉडी को तो गवर्निंग बॉडी तीन दो महीने के अंदर अप्लिकेशन देगी सेबी को को कि आप ये रिवाइज करिए सेबी कंसीडर करेगी अपलिकेशन को अपॉर्चुनिटी देगी और अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो बाई लॉ को रिवाइज कर देगी और सेम पब्लिकेशन दो जगह ऑफिशियल गजट इन इंडिया एंड ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट सेक्शन एट ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसे कि बी एस एन एस सी है इसके दो गवर्निंग बॉडी के दो काम होते हैं रिपोर्टिंग हाउस और क्लियरिंग हाउस रिपोर्टिंग मतलब जितने ट्रांजेक्शन हुए उसकी रिपोर्टिंग करना और क्लियरिंग हाउस का मतलब सेटलमेंट करना डिलीवरी करना पेमेंट करना डिफरेंस में सेटलमेंट करना अगर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो डिफरेंस में सेटलमेंट करना ये काम होता है क्लियरिंग हाउस का तो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेकर क्लियरिंग हाउस के फंक्शन को ट्रांसफर कर सकती है एक अनदर एंटिटी जो अनदर एंटिटी होगी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी जिसे बोलेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इसका काम रहेगा सेटलमेंट करना पीरियोडिकली पे इन पे आउट डिलीवरी करना सिक्योरिटी का पेमेंट करना और अदर इंसिडेंटल और एंसिलरी फंक्शन हर क्लियरिंग जैसे कि एनएससी की क्लियरिंग कॉरपोरेशन है नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन है हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी है किसकी एनएस ये हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी कंपनी इसके लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने बाई लॉ बनाएगी सेबी को सबमिट करेगी अगर सेबी सेटिस्फाई हो जाती है पब्लिक इंटरेस्ट और 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 में है तो लॉ को अप्रूव कर देगी और उस क्लियरिंग से एक्सचेंज पर होते हैं सेक्शन इलेवन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट को टेक ओवर करना सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज मतलब मैनेजमेंट टेक ओवर करना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो गवर्निंग बॉडी है अनएथिकल काम कर रही है लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही है मार्केट मैनुपलेसन में हेल्प कर रही है दूसरे लोगों तो देगी, देगी, को तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिटर्न नोटिस देगी रीजन देगी गवर्निंग बॉडी को अपॉर्चुनिटी देगी और उसके बाद नोटिफिकेशन के थ्रू सुपरसीड कर लेगी इफेक्ट क्या होगा जो एग्जिस्टिंग मेंबर होंगे उनकी ऑफिस वेकेट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पर्सन अपॉइंट करेगी वन और मोर अगर दो अपॉइंट करती है तो एक को चेयरमैन दूसरे को वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा जितने भी पावर फंक्शन है गवर्निंग बॉडी के अब एक्सरसाइज करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सन और जितनी भी प्रॉपर्टी जो नेसेसरी है बिजनेस करने के लिए सेल वेस्ट इन द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और जैसे ही सुपर सीड पीरियड खत्म होगा जो पीरियड है सुपर सीड टेक ओवर पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल करेगी स्टॉक एक्सचेंज को कि आप गवर्निंग बॉडी को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए और जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है गवर्निंग बॉडी जितने भी पावर और जितने भी प्रॉपर्टी थी वापस गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के पास रीवेस्ट हो जाएगी सेक्शन सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि पूरे स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड कर सकती कुछ समय के लिए अगर इमरजेंसी सिचुएशन लाइक वार हो गया बहुत वर्ल्ड इससे शेयर के रेट पूरे डाउन होने की संभावना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए सस्पेंड कर सकती है बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मैक्सिमम डेज थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसको एक्सटेंड करना जरूरी है पीरियड को तो गवर्निंग बॉडी को ऑपरचुनिटी देने के बाद इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में है तो एक्सटेंशन कर सकती है कितना भी बट ऑपरचुनिटी देना पड़ेगा सेक्शन थर्टीन बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एरिया या स्टेट नोटिफाई करेगी उस एरिया और स्टेट में अगर इन्वेस्टर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर टू वो इलीगल माना जाएगा कम से कम एक मेंबर का होना जरूरी है मेंबर के थ्रू ट्रांजेक्शन होना चाहिए मेंबर के थ्रू मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए स्टॉक ब्रोकर का तब वो ट्रांजेक्शन वैलिड से सेक्शन थर्टी देर आफ्टर डी लिस्टिंग के बारे में दिया गया कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज डी कर सकती है सिक्योरिटी को आफ्टर आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी ग्राउंड ग्राउंड ऑफ दिए गए अगर कंपनी को पिछले तीन सालों में लॉस हो रहा है और नेटवर्क निगेटिव हो गई सेकेंड सिक्योरिटी सस्पेंड हो गई है छह महीने से अधिक हो गया ट्रेडिंग नहीं हो रही है सस्पेंशन लगा दिया गया है सेबी के द्वारा सिक्योरिटी इनफ्रिक्वेंट ट्रेडेड है तीन साल हो गए दस परसेंट से कम ट्रेडिंग हो रही है जितने टोटल शेयर है उससे दस परसेंट से कम तो इनफ्रिक्वेंट ट्रेडेड है डायरेक्टर या कंपनी या प्रमोटर ने ऑफेंस किया है कोर्ट ने कॉन्विक किया है और उनके अगेंस्ट में एक करोड़ रुपए की पेनल्टी या तीन साल की जेल हुई है कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस या डायरेक्टर प्रमोटर की रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं दिया गया है या फॉल्स एड्रेस या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज की गई है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट और मिनिमम शेयर होल्डिंग जो पब्लिक शेयर होल्डिंग 25 होनी चाहिए हर लिस्टेड कंपनी वो आप मेंटेन नहीं कर रहे हो और रेज इंक्रीज़ भी नहीं कर रहे हो जो स्टॉक एक्सचेंज ने बोला था कि आप ना दो महीने के अंदर कम से कम इंक्रीज कर लो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पच्चीस परसेंट पब्लिक के पास होनी चाहिए आप वो नहीं कर रहा तो इस ग्राउंड के बेसिस पर स्टॉक एक्सचेंज आपकी सिक्योरिटी को डीलिस्ट कर देगी और अगर कोई भी पर्सन उस ऑर्डर के से सेटिस्फाई नहीं है तो सेट के पास अपील फाइल कर सकता है ध्यान रखिएगा इसमें किसने ऑर्डर पास किया स्टॉक एक्सचेंज ने तो आप स्टॉक एक्सचेंज ने अगर डीलिस्ट किया होगा तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सेट के पास जा सकते हैं आ, अपील का टाइम लिमिट विद इन फिफ्टीन डे प्लस एक्सटेंशन मैक्सिमम वन मंथ लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आर में दिया था जिसमें यह दिया था कि सेबी ने अगर डीलिस्ट किया है तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में हम क्या रेमेडी है तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में सेट ही के पास जाएंगे लेकिन वहां पर टाइम लिमिट 45 डे होगी तो अगर सेबी ने डीलिस्टिंग ऑर्डर दिया है तो फोर्टी फाइव डे स्टॉक एक्सचेंज ने अगर ऑर्डर दिया है तो पंद्रह दिन के अंदर अपील और मैक्सिमम एक्सटेंशन हो सकता है मंथ वन वन का इफ सोन सेट इंक्वायरी करेगी अपॉर्चुनिटी देगी ऑर्डर पास करेगी कंफर्म मॉडिफाई सेट असाइड और सेट सेल ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द दे डेट ऑफ फाइलिंग वो कोशिश करेगी अपील को छह महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करने के लिए नेक्स्ट रिफ्यूजल मैंने कंपनी ने अप्लीकेशन दिया स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारी सिक्योरिटी को डी लिस्टिंग कर दीजिए लेकिन स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज कर दी हमारे अपलिक तो उसको रीजन बताना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से रिफ्यूज की है जिस दिन रीजन मिला उसके मैं पंद्रह दिन के अंदर अपील फाइल कर सकता हूँ सेट के पास एक्सटेंशन हो सकता है वन मंथ सेट या तो वेरी करेगी ऑर्डर को या फिर सेट असाइड करेगी सेट सेल ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन सिक्स मंथ कॉपी ऑफ ऑर्डर भेज देगी पार्टी टू अपील को प्लस सेबी को सेक्शन ट्वेल्व ए वेरी इंपॉर्टेंट है से भी डायरेक्शन दे सकती है आफ्टर इंक्वायरी करने के बाद कि अगर जो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है या डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट करना जरूरी है या टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और क्लीनिंग कारपोरेशन विच वॉज कंडक्टेड इन द मैनर विच आर प्री जुडिशियली टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और क्लीनिंग कॉरपोरेशन डायरेक्शन किसको दे सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज को

होल्डर ऑफ सिक्योरिटी को मिलेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड है भले ही शेयर उसने बेच दी हो ट्रांसफर कर दी हो लेकिन आजकल ये सेक्शन इन ऑपरेटिव है क्योंकि आजकल पूरे शेयर डी मेट फॉर्म में है तो तुरंत ट्रांसफर होता है तो ये सेक्शन वैसे ही इन ऑपरेटिव है जब फिजिकल शेयर होते थे तब का ये तब ये सेक्शन काम का था तो डिविडेंड उसको मिलेगा जो होल्डर ऑफ सिक्योरिटी है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड है भले ही शेयर ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं फिर भी डिविडेंड िसको मिलेगा होल्डर ऑफ सिक्योरिटी जिसका नाम आर ओ एम में रजिस्टर में कंपनी के रिकॉर्ड में लेकिन एक केस में एक्सेप्शन है कि अगर शेयर ट्रांसफर हो चुके थे और ट्रांसफरी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टूगेदर विद अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल कर दिया है कंपनी को कितने दिन के अंदर विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ डिविडेंड तो इस केस में ट्रांसफरी सेल बी इंटाइटल टू रिसीव एंड रिटेन द डिविड ट्रांसफरी भले ही उसके नाम पर शेयर रजिस्टर्ड नहीं हुए लेकिन उसको राइट आ जाएगा डिविडेंड रिसीव करने 15 डे एक्सटेंड हो सकता है मतलब 15 डे की कैलकुलेशन में फॉलोइंग डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे अगर डिले हुआ है ड्यू टू पोस्ट डिपार्टमेंट की वजह से डेथ ऑफ ट्रांसफरी और लॉस ऑफ ट्रांसफर डीट अगर ट्रांसफर डीट रिप्लेस मिसप्लेस हो गई थी चोरी हो गई थी तो नई ट्रांसफर डीट रिप्लेस करने में जितना टाइम लगा उसको एक्सक्लूड करेंगे अगर डेथ हो गई थी ट्रांसफरी की जो परचेजर था तो उसके लीगल हियर को जितना टाइम लगा अपना राइट स्टेब्लिश करने में उसको एक्सक्लूड करेंगे बट ये सेक्शन इफेक्ट नहीं करता है कंपनी के राइट को कंपनी तो डिविडेंड जिसका नाम रजिस्टर में रिकॉर्ड है होल्डर ऑफ सिक्योरिटी उसको पे कर देगी बट ट्रांसफर ही अपना डिविडेंड इन्फोर्स करवा सकता है किससे ट्रांसफरर से क्लेम कर सकता है अगर उसने पंद्रह दिन के अंदर ट्रांसफर डीड लॉन्च कर दी है और कंपनी उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं की है तो ट्रांसफरी अपना डिविडेंड किससे क्लेम कर सकता है ट्रांसफरर से तो बेसिक लॉ कि डिविडेंड किसको मिलेगा होल्डर ऑफ सिक्योरिटी को लेकिन अगर ट्रांसफरी ने पंद्रह दिन के अंदर जिस दिन डिविडेंड ड्यू हुआ था डिविडेंड ड्यू कब होता है जिस दिन एजीएम में डिक्लेयर होता है उसके पंद्रह दिन के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फाइल कर दिया है कंपनी को तो डिविडेंड का राइट मिलने का ट्रांसफरी के पास आ जाएगा बट कंपनी को ये सेक्शन इफेक्ट नहीं करता है कंपनी तो डिविडेंड होल्डर ऑफ सिक्योरिटी को पे कर देगी बट ट्रांसफर ही अपना जो डिविडेंड है वो ट्रांसफर से क्लेम कर सकता है, 27. है में जो इनकम होगी उसको वो किसको मिलेगा सेम है जो ट्वेंटी 27 सेवन था ट्वेंटी सेवन ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए ट्वेंटी सेवन शेयर्स के डिविडेंड के लिए ट्वेंटी सेवन ए यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो इनकम होगी वो किसको मिलेगी सेम लॉ है जो सेक्शन ट्वेंटी सेवन में उसके बाद सेक्शन फिफ्टीन मेंबर टू मेंबर कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल अगर मेंबर जो ब्रोकर है वो अगर इन्वेस्टर के साथ डील कर रहा है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर मतलब अपने अकाउंट से खुद के बिहाफ में शेयर खरीद रहा है या खुद के अकाउंट से शेयर बेच रहा है इन्वेस्टर को मार्केट से नहीं खरीद रहा है तो इस केस में उसको इन्वेस्टर से रिटर्न कंसेंट लेनी है ब्रोकर को और उसको डिस्क्लोज करना है कॉन्ट्रैक्ट नोट में कि ये ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर हो रहा है अगर उसने ओरल कंसेंट ली है तो रिटर्न कंसेंट तीन दिन के अंदर लेना है फ्रॉम द दे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन अगर ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में हो रहा है मेंबर और अदर पर्सन के बीच में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर टू क्लोज आउट द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर सपोज फ्यूचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अगर उसको मैंने सपोज uh, ब्रोकर ने इन्वेस्टर को गोल्ड बेचा था uh, अब गोल्ड वापस मैं खरीद रहा हूं उससे. मैंने बेचा मैंने उसी से वापस खरीद रहा हूँ स्क्वायर ऑफ करने के लिए तो जब स्क्वायर ऑफ करने के लिए ट्रांजेक्शन होगा ना तो फिर से रिटर्न कंसेंट की जरूरत नहीं है ओनली रिटर्न कंसेंट इज रिक्वायर्ड बट रिटर्न कंसेंट की जरूरत नहीं ओनली डिस्कलोजर इन कॉन्ट्रैक्ट नोट जो सेल परचेज का बिल होगा उसमें डिस्कलोज करना पड़ेगा बस लेकिन यह ध्यान रखिएगा ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है जब ब्रोकर मतलब मेंबर और थर्ड पर्सन के बीच में यानी इन्वेस्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यह सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता जब एक ब्रोकर दूसरे ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मतलब खुद के लिए शेयर खरीद रहे दोनों ब्रोकर अपने अकाउंट में डील कर रहे हैं एक ब्रोकर खरीद रहा है अपने लिए दूसरा ब्रोकर अपने अकाउंट से शेयर बेच रहा है तो यहाँ पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि तो ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है केवल ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन द मेंबर और क्लाइंट टू प्रिंसिपल तो, तो तीन दिन के अंदर रिटर्न डिस्क्लोज करो कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुआ है, है। स्पॉट डिलीवरी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उसके बाद पेनल्टी के सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन ट्वेंटी थ्री ए से लेकर ट्वेंटी थ्री एच ट्वेंटी थ्री ए बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन रिटर्न सबमिट नहीं करता स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करता है जो रिक्वयर थी बुक्स मेंटेन नहीं करता है या इन करेक्ट इंफॉर्मेशन इन करेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल करता है तो कॉमन पेनल्टी जो फिफ्टीन ए सेबी एक्ट में है मिनिमम वन लैक्स मैक्म वन लैक्स पर डे सब्जेक्ट टू मैक्म वन करोड़ मिनिमम एक लाख लगेगा बीच में एक्सटेंड टू वन लैक्स पर डे सब्जेक्ट टू मैक्म वन करोड़ सेकेंड फेलअर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लिस्टिंग एग्रीमेंट और कंडीशन ये भी वही है बुक्स ऑफ अकाउंट सेम कॉमन पेनल्टी बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है 23 थ्री भी अगर क्लाइंट से एग्रीमेंट नहीं कर रहा है ब्रोकर तो इसके इसमें सेम पेनल्टी अगर वो इन्वेस्टर की कंप्लेन को रिड्रेस नहीं करता है ब्रोकर या फिर कंपनी तो सेम पेनल्टी ये वेरी इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी डी फेलवर टू सेग्रीगेट सिक्योरिटी मतलब बहुत सारी क्लाइंट की सिक्योरिटी आप, आपने खरीद ली क्लाइंट के बिहा में अब अब आप कौन सी क्लाइंट की कौन सी सिक्योरिटी है वो आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे या क्लाइंट की सिक्योरिटी को आप अपने पर्पज में यूज कर रहे हैं या दूसरे क्लाइंट के लिए यूज कर रहे हैं तो इस केस में मिनिमम वन लैक्स और मैक्सिमम एक करोड़ की पेनल्टी अट्रेक्ट हो सकती है ब्रोकर पर नेक्स्ट इज द अगर आप लिस्टिंग कंडीशन या डीलिस्टिंग कंडीशन का कंप्लायंस नहीं कर रहे लिस्टेड कंपनी हो गई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई म्यूचुअल फंड कंपनियां हो गई तो उन पर मिनिमम पाँच लाख मैक्सिमम पच्चीस करोड़ की पेनल्टी अट्रेक होगी नेक्स्ट एक्सेस डी मोटालाइजेशन मतलब पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर होते थे उनको कंपलसरी कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फिजिकल एक लाख शेयर थे डीमेड फॉर्म में आपने एक पच्चीस कर दिया अधिक शेयर बेनिफिट लेने के लिए प्रमोटर लोगों ने जिससे उनको अधिक शेयर मिल जाए एक्सेस डी मोटालाइजेशन

अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कारपोरेशन अपने मेंबर के साथ बिजनेस कंडक्ट कर रही है लिस्टेड कंपनी के साथ डील कर रही है स्टॉक एक्सचेंज नॉट इन अकॉर्डिंग विद सेबी रेगुलेशन तो स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कारपोरेशन पर मिनिमम पांच करोड़ मैक्सिमम पच्चीस करोड़ और थ्री टाइम्स ऑफ प्रॉफिट में एवर इज हायर की पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है एंड लास्ट इज द जर्नल पनिशमेंट अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किए सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का या उसके आ, रूल्स का तो मिनिमम वन लैक्स मैक्सिमम एक करोड़ की पेनल्टी अट्रेक हो सकती है ट्वेंटी थ्री एच में इसमें दो सेक्शन में अलर्ट रहेगा ट्वेंटी थ्री ए है कि अगर स्टॉक ब्रोकर हो गया या लिस्टेड कंपनियां हो गई अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करती तो उन पर ट्वेंटी थ्री ए की पेनल्टी है और ट्वेंटी थ्री जी ए स्टॉक एक्सचेंज अगर रिटर्न फाइल नहीं करता सेबी को तो इस केस में ये ट्वेंटी थ्री जी में मिनिमम फाइव फाइव लैक्स स्टॉक एक्सचेंज पर और मैक्सिमम पच्चीस करोड़ की पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है नेक्स्ट पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा से भी एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ जो पेनल्टी एडजुडिकेट करेगा और इम्पोज करेगा आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर और उसे राइट right है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कि वो किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन ले सकता है उससे पर्सनल हियरिंग के लिए बुला सकता है समन इशू कर सकता है अगर उसके बिलीव में लगता है कि उसके पास फैक्ट का नॉलेज है और सेबी को लगता है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पेनल्टी अपोज की है वो एरोनियस है नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट में नहीं है सिक्योरिटी मार्केट मतलब कम पेनल्टी लगाई गई है मिनिमम पेनल्टी तो इस केस में सेबी उस पेनल्टी को इन्हांस कर सकती है लेकिन टाइम लिमिट इस टाइम लिमिट के बाद इन्हस नहीं कर सकती थ्री मंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पेनल्टी लगाई थी उसके तीन महीने के बाद नहीं कर सकती और डेट ऑफ डिस्पोजल अगर अपील फाइल हो गई थी पेनल्टी ऑर्डर के में तो जिस दिन अपील डिस्पोज ऑफ हो रही है उस डेट के बाद नहीं कर सकता पेनल्टी लगाते समय क्या क्या फैक्टर कंसीडर करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से भी की कि कितनी लगानी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसनेट गेन कितना हुआ एडवांटेज अमाउंट लॉस कितना इन्वेस्टर को हुआ रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्टवेंटी थ्री जी है सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग सेम था से भी ऑफेंस हो गया है पेन, आप पर पेनल्टी लगने वाली है या लग रही है इनिशिएट होने वाली है, होने, होने, हो चुकी है तो आप सेबी को अप्लाई कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए सेबी आपके ऑफेंस के नेचर को ग्रेविटी को देखते हुए आपके ऑफेंस को सेटल करने के लिए रेडी हो सकती है ऑन पेमेंट ऑफ सेटलमेंट फीस आपको सेटलमेंट फीस पे करना पड़ेगा और कंप्लायंस ऑफ सच अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइन द सेबी रेगुलेशन सेटलमेंट के लिए सेबी के अलग से रेगुलेशन बने हैं जो सेटलमेंट की प्रोसीजर होगी एज पर सेबी रेगुलेशन होनी चाहिए और सेटलमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं हो सकती नेक्स्ट रिकवरी ऑफ अमाउंट पेनल्टी अगर पेनल्टी इंपोज हो गई है या डिस्गोर्जमेंट अमाउंट मतलब आपने कोई इन प्रॉफिट कमाया इन्वेस्टर से चेटिंग करके तो जितना प्रॉफिट कमाया आपको रिफंड करना पड़ेगा या सेबी को फीस ड्यू हो गई है आप पे नहीं कर रहे हो तो सेबी एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करेगी और वो रिकवर करेगा फॉलोइंग मैनर में अटेच कर सकता है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी इमोल प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट अरेस्ट कर सकता है आपको और रिसीवर अपॉइंट कर सकता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी और इमोल प्रॉपर्टी और बैंक में इंक्लूड होगा अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को जिस दिन पेनल्टी ड्यू हुई थी इम्पोज हुई थी उसके बाद आपने जानबूझ ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को माइनर चाइल्ड को सन्स वाइफ को सन माइनर चाइल्ड को

प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस में सेट अपॉर्चुनिटी देगी ऑर्डर पास करेगी ऑर्डर की कॉपी भेज देगी पार्टी टू तो अपील प्लस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और सेट सेल्स डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन सिक्स मंथ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस एनी ऑफेंस विच आर पनिशेबल विद फाइन और फाइन और इम्प्रीजमेंट और बोथ कैन बी कंपाउंड बाय द कंपाउंडिंग अथॉरिटी एट एनी टाइम बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग और कंपाउंडिंग अथॉरिटी कौन रहेगी सेट या फिर कोर्ट जिसके पास प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है प्रोसिक्यूशन पेंडिंग चल रहा है वो कंपाउंड करेंगे कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग अगर एक्स ब्रोकर था उसकी डेथ हो गई है और डेथ होने से पहले उस पर पेनल्टी लग गई थी डेथ होने से पहले उस पर पेनल्टी लग गई थी तो उसका लीगल ईयर कंटिन्यू लाइवल रहेगा पेनल्टी पे करने पर लेकिन एक बार डेथ हो गई उसके बाद फिर पेनल्टी इम्पोज नहीं हो सकती अगर डेथ होने से पहले पेनल्टी इम्पोज हो गई है तो लीगल ईयर कंटिन्यू लाइबल रहेगा टू द एक्सटेंट जितनी उसको स्टेट मिली थी डिसीज पर्सन से उतनी वैल्यू तक के लिए लाइवल रहेगा और रिकवरी की प्रोसीडिंग अगर डेथ होने से पहले इनिशिएट हो चुकी थी अब वो उसकी डेथ हो गई तो वो प्रोसीडिंग अब कंटिन्यू चलेगी लीगल हियर के अगेंस्ट और अगर कोई भी पर्सन सेट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है विद इन सिक्सटी डे प्लस सिक्सटी डे का एक्सटेंशन ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर और लास्ट प्रोविजन इज द स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस करने के लिए स्पेशल कोर्ट अपॉइंट करेगी जिसमें जज रहेगा सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और अगर जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है उस एरिया की स्पेशल कोर्ट ऑफेंस को ट्रायल करेगी अगर उस एरिया में एक से अधिक कोर्ट है तो हाई कोर्ट जो बताएगी कि कौन सी स्पेशल कोर्ट उस ऑफेंस का ट्रायल करेगी स्पेशल कोर्ट को डीम टू बी कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा और जो पर्सन आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन कर रहा है लाइक ब्रोकर के अगेंस्ट में जो पर्सन जो एडवोकेट प्रोसिक्यूशन कर रहा है उसे अपन बोलेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके पास सात साल हो जाना चाहिए एडवोकेट की प्रैक्टिस का या फिर उसके पास सात साल नॉलेज होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट में जिसमें नॉलेज हो लॉ का नॉलेज रिक्वायर हो और लास्ट प्रोविजन सेक्शन सेवेंटी ने स्पेशल प्रोविजन फॉर पब्लिक इशू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी एट मीन्स अगर स्पेशल परपज व्हीकल कंपनी अगर सर्टिफिकेट या सिक्योरिटी इशू करती है इन्वेस्टर को और एसपीवी ने लोन खरीदा है बैंक से बैंक का लोन टेक ओवर किया है बैंक ने लोन दिया था बोरोवर को और उस लोन को टेक ओवर कर दिया और उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट था लाइक मॉर्गेज थी प्रॉपर्टी वो अब किसके पास आ जाएगी एस के पास और एस ने उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू की है इन्वेस्टर को तो उसके बारे में प्रोवजन दिया गया है कि जब भी एस ये सिक्योरिटी रिसिप इशू करेगी तो उसको सबसे पहले सेबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है कंडीशन उसको वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज को अप्लीकेशन देना है लिस्टिंग के लिए उसके बाद ही ऑफर करना है ऑफर लेटर और अगर एक भी स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज कर देता है लिस्टिंग के लिए तो जितनी अप्लीकेशन मनी मिल चुकी थी रिफंड करनी पड़ेगी एक आठ दिन के अंदर अगर नहीं किए तो जितने भी पर्सन थे डायरेक्टर प्रमोटर वो ज्वाइंटली सीवरली लाइवल रहेंगे टू रिफंड करने के लिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट और एस पी बी को कंप्लाई करना है लिस्टिंग की जो भी कंडीशन होती है जो लिस्टेड कंपनियों पर अप्लाई होती है वो सभी करना है। डेट्स से सेक्शन सेवनटीन ए और लास्ट चीज़ एटीन ए कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव वैलिड रहेगा लीगल रहेगा अगर उसका ट्रेड रिकोनाइज स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है और उसका सेटलमेंट क्लियरिंग हाउस के थ्रू हुआ है